दोस्तों, लोगों का सिर्फ एक ही सवाल, आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पीएम पद का दावेदार? आखिर इस बार किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? कौन बनेगा भारत जैसे विकासशील और सर्वशक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री? अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहे, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जो कि 2024 में जीत हासिल करने के बाद पुनः 2019 में दोबारा जीत दर्ज किए, पर इनके टक्कर में अब आ खड़े हुए हैं यूपी के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ, जिनकी लोकप्रियता पूरे भारत देश में छाया हुआ है, क्योंकि जब ये मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण किए थे उसके बाद से ही एक से एक अच्छे कार्यों में ध्यान दिए, जैसे छोटे किसानों का कर्ज माफ कराए, उत्तर प्रदेश में माफियों का सफाया करवाए, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण में भी इनका बड़ा योगदान रहा, लफ्जियात के खिलाफ कानून बनवाए, और ऐसे ही बहुत सारे कार्यों में ध्यान दिए जिससे आम जनता सब इनके साथ आज खड़े हैं। पर चलिए जानते हैं आखिर कौन बनेगा 2024 में प्रधानमंत्री। दोस्तों, इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया है। उनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि वह किसी भी पद के दावेदार नहीं है, उनकी यूपी में ही रहने की इच्छा है। पीएम मोदी देश की सबसे बड़ी ताकत है, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की नई पहचान बनी है। 2014 में उनके पीएम बनने के बाद से समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचा है, जनता से जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा किया गया है, और 2024 में फिर से एक बार बहुमत मिलेगी और फिर बीजेपी की ही सरकार आएगी और कुछ अधूरे काम बचे हुए हैं उन्हें पूरा करेंगे। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है, आखिर कौन बनेगा इस बार 2024 में प्रधानमंत्री? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।